इसराइल में अकेली सेना नहीं, हर नागरिक लड़ता है। सैनिक बॉर्डर पर मोर्चा लगाते हैं तो जनता गली मोहल्लों, सड़कों और बाजारों से लेकर बॉर्डर तक सेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट देती है। सैनिकों को खाने पीने और पहनने के अलावा रोजमर्रा की चीजों की कमी ना हो पाए, इसका ख्याल रखते हैं खासकर ऑर्थोडॉक्स यहूदी। वो मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं लेते, फिर भी मिलिट्री के साथ खड़े दिखते हैं। एक डीजे बैंड घूमती है वॉर जोन, ऊंचा म्यूजिक बजता है, बॉर्डर पर सैनिकों की टुकड़ी दिखती है, वैन वहीं रुकती है, थोड़ा नाच गाना होता है, मूड हैप्पी और वैन अगले मोर्चे की तरफ बढ़ जाती है। ये भी ऑर्थोडॉक्स यहूदी करते हैं। जंग से बड़ी दुख और मातम की घड़ी कोई हो नहीं सकती, लेकिन इसराइल में ये भी एक अंदाज है मैदाने जंग का। हमास के हमले के बाद गली मोड़, चौराहे, बाजार और शॉपिंग सेंटर में कम उम्र के लड़के लड़कियां हथियार उठाए पहरा देते मिलते हैं। असल में ये रिजर्व फोर्सेस हैं, जो मुश्किल घड़ी में देश सेवा को समर्पित है। इसराइल में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी आर्मी में नहीं जाते, लेकिन युद्ध में वो सेना की हर तरह से हेल्प करते हैं। वो 20 सेकंड इसराइल में हवाई हमले के चंद सेकंड पहले इसका पता चल जाता है। अलार्म बजता है, अनाउंसमेंट होती है, तब तक आपको सेफ हाउस में पहुंचना होता है। सायरन बजने के बाद सेफ हाउस तक पहुंचने के लिए 15-20 सेकंड का समय मिलता है। उसके बाद धमाकों की आवाज कानों में पड़ती है। तकनीक के क्षेत्र में इसराइल बहुत आगे है। वो उन सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है जो रॉकेट या हवाई हमले होने की स्थिति में नागरिकों को पहले अलर्ट कर देता है, ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। घर हो, बाजार हो, शॉपिंग सेंटर हो, या फिर बस स्टॉप, ट्रेन स्टॉप या कोई दूसरा सरकारी दफ्तर, कंक्रीट का सेफ हाउस बनाना सब जगह अनिवार्य है, कंस्ट्रक्शन प्लान का हिस्सा है, ताकि कोई बेगुनाह रॉकेट की भेंट ना चढ़े। हमास के रॉकेट हमले इजरायली नागरिकों के जीवन का हिस्सा है। बुजुर्गों और बच्चों को रात को सेफ हाउस में सोने की व्यवस्था रहती है, ताकि रात में दिक्कत ना आए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।